एक बार फिर आपका स्वागत। आइए अब बात करते हैं सितारों की। सितारों की आज हमारे पास वाकई में एक ऐसे सितारे की कुंडली है जो क्रिकेट के अंदर जिन्होंने जिस तेजी से अपने आप को स्थापित किया है वो बहुत ही एक देखने लायक बात है। 30 अप्रैल 1987 को जन्मे रोहित गुरुनाथ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। इनका जन्म नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। रोहित मुख्य रूप से सलामी बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। रोहित टेस्ट क्रिकेट और वनडे और 2020 के अलावा इंडियन प्रीमियर लीग में भी खेलते हैं। इसके अतिरिक्त मुंबई इंडियंस टीम के वे कप्तान भी हैं। रोहित शर्मा क्रिकेट इतिहास में पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक और 2020 अंतर्राष्ट्रीय में 3 शतक है। फोर्ब्स इंडिया 2015 के भारत के 100 शीर्ष प्रसिद्ध व्यक्तियों में शर्मा को 8वां स्थान मिला। महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर के बाद अपनी टीम को IPL खिताब दिलाने वाले 3रे कप्तान हैं। आइए इनकी उपलब्ध जन्म कुंडली के माध्यम से हम उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। ये कर्क लग्न की कुंडली है मित्रों, और कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा उच्च के सूर्य के साथ 10वें स्थान में, इसका क्या मायने है? मित्रों, हम बहुत बार जितने भी सितारों की कुंडली देखते हैं उसमें दो मुख्य बातों को हमें दिखाई देती हैं। एक सूर्य का 10वें स्थान होना और दूसरा बृहस्पति का लग्न को देखना। इस कुंडली के अंदर ये दोनों स्थितियां उपलब्ध हैं। सूर्य 10वें स्थान में अपनी उच्च राशि के अंदर है, यानी कि हिम्मत, साहस, दृढ़ता और एक दिव्यमान कर्तव्य जीतने की जो लालसा इस व्यक्ति के अंदर है, अपने कार्य को अनन्यतम ऊंचाई तक ले जाने के लिए जो जिद इनके अंदर है वो बहुत ही मुश्किल से आयंत्र कहीं देखने को मिले। और साथ के अंदर बृहस्पति शुक्र और राहु का भाग्य स्थान में होना, आप देख सकते हैं कि जब भी ये किसी चीज के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के जोर लगाते हैं तो बृहस्पति यानी कि ईश्वरीय मदद बहुत आसानी से मिलती चली जाती है और स्थितियां इनके अनुकूल होती चली जाती हैं। और एक ऐसी कहानी, एक अपने अपनी इनिंग के माध्यम से, अपने खेल के माध्यम से, अपने जब भी उतरते हैं बैट लेकर के उसके माध्यम से हर बार एक नई कहानी लिख करके वापस आते हैं। हमने देखा कि वर्ल्ड कप के अंदर लगातार 5 जो है मैचेस के अंदर उन्होंने जो स्कोर किया वो देखने लायक था। मतलब ऐसी स्थिति अकल्पनीय है कि 5ों मैच के अंदर आप जो भी भारत जिन मैचेस में जीतते चली गई और एक ऐसा आप इनकी पारी को आप जब देखते हैं तो सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले व्यक्ति के तौर पर शायद बहुत थोड़े से दूरी पर ये खड़े हों, तो हर इनिंग के अंदर लगते हुए छक्के ऐसे लगता है कि जैसे कि बहुत ही आसान हो ये सब करना और हर कोई कर सकता है। तो ये जो साहस, ये जो अपने चीज़ों को लेकर के दृढ़ता उच्च का सूर्य जो देता है वो और कोई नहीं दे सकता। यहाँ शनि और मंगल इनके 5वें और आय स्थान से संबंध बनाता है। मित्रों, जब कभी भी मंगल की दृष्टि या मंगल आपके 5वें स्थान में बैठा हो, मंगल 5वें से कोई भी संबंध बनाता हो तो व्यक्ति खेल जगत का सितारा हो सकता है अगर वो बचपन से अपने कार्य पर, अपने चीज़ों पर काम करे तो। ये बिल्कुल ऐसी बात है। इसके साथ में फिर बृहस्पति का 5वें स्थान को देखना और उसके साथ सूर्य का उच्च का हो जाना, तो ये तीनों स्थितियों ने मिला करके इन व्यक्तियों को, जो रोहित को, इतनी ऊंचाई दी कि आप देख पाते हैं कि आज एक सितारा हैसियत रोहित शर्मा को प्राप्त है। कर्क राशि का जो लग्नेश है वो भी एक, हम हमेशा देखते हैं कि लग्नेश का मजबूत होना जरूरी है। लग्नेश अगर मजबूत नहीं है, अच्छे स्थान पर नहीं है या कोई केंद्र में नहीं है या अच्छे ग्रहों के साथ नहीं है तो फिर बार बार अपने कार्यों में बाधा और तनाव आते हैं। यहाँ हालांकि सूर्य चंद्रमा का साथ होना एक तरह का मानसिक द्वंद्व और तनाव में जल्दी आ जाना या किसी चीज़ को अगर प्रेशर ले लिया तो फिर वो थोड़ी सी एक नकारात्मकता को दर्शाता है, लेकिन उन सब पर बृहस्पति का जो उच्च दृष्टि से लग्न को देखना है उससे आप देखेंगे कि कैसे ये अपने आप को एक मैकेनिज्म इन्होंने डेवलप किया और चीज़ों में अपने आप को पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ में आप उभार के लाते हैं और चीज़ों पर एक बेहद एक शानदार तरीके से वापसी करते हैं। तो यहाँ बहुत ही ऊंचे दर्जे की ये सफलता हम इनके जीवन के अंदर आते हुए देखते हैं। 3रे स्थान के अंदर हम कीर्ति का स्थान मानते हैं।
ये यहाँ केतु का होना ने, केतु तीसरे स्थान में होने ने इन्हें थोड़ा सा देर से ऊंचाई दी, कि जो ऊंचाई खिलाड़ियों को बहुत जल्दी मिल जाती है इनको थोड़ा लेट शुरू हुआ। और हम देखते हैं कि 2020 और वनडे में तो ठीक, लेकिन टेस्ट मैच में तो अब जाकर के अभी पिछले दिनों इनकी एंट्री हुई, तो कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको देरी से मिल रही है, लेकिन जो चीज़ें मिली उनको इन्होंने जिस तरीके करके दिखाया वो एक अद्भुत, एक बहुत ऊंचाई के तौर पर बहुत विस्मयकारी आप कह सकते हैं कि स्थिति को दर्शाता है। तो यहाँ शनि और मंगल का पंचम और पंचम स्थान से संबंध होना, मित्रों जिस कुंडली में भी पंचम स्थान का संबंध इन ग्रहों से होता है वो व्यक्ति खेल जगत के अंदर यानी कि डिसिप्लिन, डटे रहना, टिक करके खेलना, इसके अंदर बहुत उनको उनका महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि अगर नेट प्रैक्टिस करनी है, अपनी चीज़ों पर अपने ऊपर दबाव बनाना है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत बहुत मेहनत करते हैं अपनी चीज़ के ऊपर। यहाँ शनि जो पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, इन्होंने मंगल के साथ युति बना के कहीं भी साहस और अपने शरीर को उस अनुसार ढाल लेना जो उस खेल की आवश्यकता है, इसमें इनको महारत हासिल दी। तो जो भी नए खिलाड़ी हैं जिन्हें जो चाहते हैं कि खेल में उनका भविष्य उज्ज्वल हो, उनके माता पिता ये इस कुंडली को एक तरह से एक उस पर रख सकते हैं कि अगर इस तरह के कोई भी योग आपके बच्चे की कुंडली में है तो खेल जगत के अंदर आपका बच्चा सितारा हो सकता है। पंचम स्थान का संबंध मंगल या सूर्य से है तो व्यक्ति खेल जगत में सितारा हो सकता है। अगर बृहस्पति का पंचम स्थान पर दृष्टि है और मंगल वहां बैठे हुए हैं तो आप समझें कि आपका बच्चा खेल जगत में सितारा हो सकता है। तो ये वो सारी बातें कि जो ज्योतिष के विद्यार्थी और जो खेल के अंदर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उन सभी के लिए ये कुंडली उदाहरण के तौर पर हम इसको रख सकते हैं। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, नई कुंडलियों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।